हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व के द्वीपों से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं द्वीप क्या होता है। तो कोई भी स्थल खंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, मान लीजिए यह कोई स्थल है, जमीन है, और इसके चारों तरफ जल हो या कह सकते हैं पानी हो, तो इसको हम कहते हैं द्वीप। इसको कहता है द्वीप, ठीक। स्थल खंड का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहता है, ठीक। पहला क्वेश्चन इसमें है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसमें ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है ग्रीनलैंड और चौथा है मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यह डेनमार्क देश का है। देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क देश का है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो किसका है, तो डेनमार्क देश का है। तो प्रथम जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है, डेनमार्क है। सेकंड नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो द्वीप है, या कह सकते हैं पूरा नाम पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी जो द्वीप है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और तीसरा सबसे बड़ा जो विश्व का द्वीप है थर्ड नंबर पर वह है बोर्नियो। बोर्नियो अफ्रीका प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो द्वीप तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप है। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप चौथे नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। सबसे पहला पापुआ न्यू गिनी, दूसरा फिलीपींस, तीसरा है जापान और चौथा है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 2000 द्वीप है, इसी से मिलकर बना हुआ इंडोनेशिया द्वीप समूह। इसी को कहते हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह। और इसी का एक अन्य नाम है ईस्ट इंडीज कहा जाता है इंडोनेशिया द्वीप समूह को। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसमें सबसे पहला मेडागास्कर, दूसरा है बोर्नियो, तीसरा है सुमात्रा, चौथा है मिंडनाओ, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और यह आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। यह कह सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीपी एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। इसमें ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से किस द्वीप, यहाँ देव लिखा है, इसका होगा द्वीप। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सिसली द्वीप, दूसरा है हवाई द्वीप, तीसरा है आइसलैंड द्वीप, चौथा क्यूबा। ध्यान दीजिएगा, सिसली जो द्वीप है यह भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। हवाई द्वीप जो है यह स्थित है प्रशांत महासागर में और इसी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहता है। प्रशांत महासागर का चौराहा इसे कहता है, तो वह हवाई द्वीप। आइसलैंड जो द्वीप है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। और जो क्यूबा द्वीप है यह भी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसी आइसलैंड द्वीप पर, चूंकि सबसे अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसलिए आइसलैंड द्वीप को ज्वालामुखी या
अग्निद्वीपी नाम अग्निद्वीप के नाम से जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अभी आपको बताया गया कि हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो द्वीप है जापान का, चूंकि जापान चार द्वीपों का समूह है, सबसे पहला जो द्वीप है वह है होक्काइडो। सबसे पहला कौन सा है, होक्काइडो है। दूसरा है होन्सू, होन्सू द्वीप है, होन्सू द्वीप है। तीसरा है शिकाकू, तीसरा जो द्वीप है वह है शिकाकू। और चौथा जो द्वीप है वह है क्यूसू, क्यूसू द्वीप है चौथा। तो सबसे छोटा जो द्वीप है इन चारों द्वीपों में जो क्रम है उत्तर से दक्षिण है, सबसे उत्तर में होक्काइडो, फिर होन्सू है, फिर शिकाकू है, फिर क्यूसू है। शिकाकू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, शिकाकू सबसे छोटा द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू, होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है। इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्सू है, सबसे छोटा जो द्वीप है वो शिकाकू है। अच्छा, इसी जो क्यूसू द्वीप है, इसी क्यूसू द्वीप पर स्थित है नागासाकी। नागासाकी जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, नागासाकी स्थित है किसपे, क्यूसू पर। और जो होन्सू है, होन्सू द्वीप पर स्थित है हिरोशिमा, हिरोशिमा स्थित है होन्सू द्वीप पर। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अभी आपको बताया गया होन्सू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, होन्सू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो अभी आपको बताया गया शिकाकू द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, द्वीप है दक्षिणी अंडमान, तीसरा है मध्य अंडमान, और चौथा है ग्रेट निकोबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार भारत का सबसे छोटा द्वीप है अंडमान का, है ना। और सबसे बड़ा जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप का, यह है मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, और ये जो चार ऑप्शन दिए हैं सबके सब अंडमान निकोबार द्वीप के हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक है अंडमान, दूसरा है निकोबार, और इन दोनों के मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। देख लेते हैं अंडमान में कौन कौन सा द्वीप है। तो सबसे पहला इसमें द्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान, नाम क्या है, उत्तरी अंडमान नाम है। इसके बाद एक अन्य द्वीप है इसी से सटा हुआ है, इस द्वीप का नाम है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में स्थित है दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान ये है। और इसके बाद है लिटिल अंडमान, छोटा सा है, इसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान के मध्य यहाँ नीचे देखेंगे तो यह 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल के बाद निकोबार शुरुआत होता है। इसमें सबसे छोटा जो द्वीप है दिख रहा है उसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद है ग्रेट निकोबार द्वीप, सॉरी कार निकोबार के बाद है लिटिल अंडमान, इसके बाद है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान के बाद जो द्वीप है वह है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी ग्रेट निकोबार पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पिगमिडियल पॉइंट कहा जाता है, जो विश्व भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है।
ये आपका आ रहा है जो उत्तर वाले हैं, ये सब के सब है अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। और इधर वाले 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है निकोबार समूह, द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अब इसमें क्वेश्चन फिर से देखिए क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया है भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो सबसे उत्तर में कौन सा पड़ रहा है, ये मध्य अंडमान जो दिख रहा है वह यहाँ पर है, और मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप पर। यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो मध्य अंडमान में, और यही मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। और इसमें क्वेश्चन क्या बना है, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में, ध्यान दीजिएगा। पहला आपको दिख रहा है मध्य अंडमान, दूसरा है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान यहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान ये मध्य अंडमान है, ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार है आपको एकदम सीधे एकदम नीचे दिख रहा, और पूछ क्या रहा है कि दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो अब किसको दिखेंगे आप, यह निकोबार द्वीप पर स्थित है ग्रेट निकोबार, सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो वह ग्रेट निकोबार। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार। ठीक, अगला क्वेश्चन है मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है, मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है, ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। फिलीपींस देश का एक देश है, द्वीप है मिंडनाओ, मिंड नाओ फिलीपीन का एक क्या है, तो द्वीप है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है, अभी आपको बताया गया था जो होन्सू द्वीप है उस पर स्थित है हिरोशिमा, जहां पर परमाणु बम गिराया गया था, और एक जो नागासाकी है वहां स्थित है क्यूशू द्वीप पर, क्यूशू द्वीप पर स्थित है नागासाकी शहर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, पहला ऑप्शन है गंगा सागर द्वीप, दूसरा है न्यूमूर द्वीप, तीसरा कोको द्वीप, चौथा है व्हीलर द्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूमूर द्वीप। अगला क्वेश्चन है जिंजीवार तथा पंबा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है, जिंजीवार तथा पंबा द्वीप किस देश के निकट स्थित है, तो ये जो जिंजीवार और पंबा है ये दोनों के दोनों स्थित है हिंद महासागर में, हिंद महासागर के द्वीप हैं, और ऑप्शन दिया है किन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, घाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, तंजानिया देश के बगल में स्थित है, जिंजीवार और पंबा कौन कौन सा द्वीप है, एक का द्वीप का नाम है पंबा, दूसरे का नाम है जिंजीवार, जिंजीवार द्वीप स्थित है, और इन दोनों द्वीपों में सर्वाधिक मात्रा में लौंग का उत्पादन होता है, इसलिए इन दोनों द्वीपों को कहा जाता है लौंग द्वीप। अगर क्वेश्चन आए कि किस द्वीप को लौंग द्वीप कहा जाता है, तो पंबा और जिंजीवार द्वीप को लौंग द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में, किस देश में है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, इसका ऑप्शन है फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और है जापान, तो जो जावा और सुमात्रा द्वीप है वह इंडोनेशिया द्वीप समूह का दो द्वीप है जावा और सुमात्रा, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी और सुमात्रा, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अभी आपको बताया गया था सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है कौन सा, तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पर आपको बताया गया कि वह है कौन सा, तो न्यू गिनी है, न्यू गिनी है। थर्ड नंबर पर कौन है, तो वह है बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप है, और फोर्थ
फोर्थ नंबर पर कौन सा है, तो यह है मेडागास्कर। मेडागास्कर इसमें पूछा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू गिनी द्वीप। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा स्थित है अरब सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, इनमें से कौन है, तो इसका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, कैरेबियन सागर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।